अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं उन लोगों से बात करूंगा जो के बिगनर हैं फ्रीलांसिंग के अंदर और उनको कोई भी क्लाइंट नहीं मिल रहा फाइवर अपवर्क के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगी कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट जल्दी मिल जाए और डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए। राइट, फ्री लांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर अपवर्क की बात करें तो वहाँ पे आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसपे आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। फाइबर पे सम टाइम आपको अगर आप न्यू हैं तो आपको रिस्पांस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इशूज़ हैं। रिसेंटली मैंने कोर्स भी रिकॉर्ड किया पीपल पर आवर मार्केट प्लेस के ऊपर। तो सबसे पहला काम आप उस कोर्स को देखें और पीपल पर आवर पर अपने अकाउंट ज़रूर बनाएं। वहाँ पर आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाएंगे और आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है। बट ये वीडियो डेडिकेटेडली डायरेक्ट क्लाइंट्स के रिगार्डिंग है, वो मैं आप लोगों का आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेडिट्स के अबाउट, रेडिट क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप यहाँ से क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रेडिट क्या है, किस तरह से काम करता है, तो रेडिट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि बाकी सोशल नेटवर्क से थोड़ा सा अलहदा है। यहाँ पे लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ पोस्ट करते हैं, कोई भी इशूज़ कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे जो मेन फीचर है रेडिट का वो है सब रेडिट्स। अब सब रेडिट्स एक तरह की कम्युनिटीज़ ही होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ डेडिकेटेड लोग ही उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज एक सब रेडिट कैट्स के अबाउट है, तो उसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो कैट्स में इंटरेस्टेड होंगे और सिर्फ कैट्स के अबाउट ही बात करेंगे। अगर वो डॉग्स के अबाउट बात करेंगे तो उनको उस सब रेडिट से निकाल दिया जाएगा एडमिन्स के तरफ से। राइट, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेडिकेटेड ऑडियंस मिलेगी। तो आप लोगों ने डेडिकेटेड ऑडियंस ही आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लेट्स सपोज एक वेब डिज़ाइनर हो और आप लोग सब रेडिट ज्वाइन कर रहे हो वेब डिज़ाइनर्स का, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे बल्कि वेब डिज़ाइनर ही मिलेंगे आपकी तरह के। लेकिन आप लोगों को क्लाइंट्स कैसे ढूंढने, क्लाइंट्स वाले सब रेडिट्स कैसे ढूंढने, वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर के वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। अगर रेडिट को किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है, वहाँ उसको जाके आप पहले वो देखें, आप लोगों को पता चले किस तरह से अकाउंट बनाना है, और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें और ये वाला प्रोसेस फॉलो करें। तो इसके अंदर है डेडिकेटेडली हम सिर्फ क्लाइंट हंटिंग के अबाउट ही बात करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मेथड वर्क करता है। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो सिंपल कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। आप लोगों ने सर्च इस तरह से करना है जैसे आप क्लाइंट है। लेट्स सपोज आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, तो डेफिनेटली जो आपका क्लाइंट है वो इस तरह से कुछ कीवर्ड सर्च करेगा, जैसे नीडेड वर्डप्रेस डिज़ाइनर या वेबसाइट डिज़ाइनर या फिर शॉपिफाई डिज़ाइनर या कुछ भी, राइट, या वेब डिवेलपर, कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे उसी तरह से कुछ रैंडम कीवर्ड्स टाइप करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे सामने क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नीड अ वेब डिज़ाइनर, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो है पोस्ट वो मुझे यहाँ पे नज़र आ गई। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो आप लोगों ने करना है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोस्ट है ये 3 मंथ आगे है, तो इस बंदे ने तो किसी को हायर भी कर लिया होगा और उसके बाद अपना काम भी कंप्लीट करवा लिया होगा। तो आप लोगों ने यहाँ टाइम पे के ऊपर आना है और यहाँ पे पास्ट मंथ के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट रीसेंट जो पोस्ट्स हैं वो मिलेंगी। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स या इस तरह से पास्ट वीक का भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो लोग मिले जिनको अभी भी स्किल नीड है वेब डिज़ाइनर की या जो भी आपकी स्किल है उसके रेंज में। अब यहाँ पे देखें मुझे मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं पोस्ट आ गए हैं, तो मेक श्योर आप पोस्ट वाले सेक्शन में ही रहो। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें नीड अ वेब डिज़ाइनर टू रीडिज़ाइन अ वेबसाइट। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें आई नीड अ वेब डिज़ाइन टू रीडिज़ाइन, उसने अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट दी है, उसको एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने के लिए, और आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता सकते हैं कि किस तरह से मैं आपकी वेबसाइट रीडिज़ाइन करूँगा। सिमिलरली आपकी कोई और स्किल है तो उसके अंदर आपको मेक श्योर कि आप अच्छा एक इंप्रेसिव कमेंट करें। अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और इस क्लाइंट को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। राइट, तो ये तरीका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप लोग ये कैसे ढूंढोगे कि कौन से सब रेडिट्स में मुझे क्या मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी। तो
यहाँ भी देखें, ऑब्वियसली ये अगर पोस्ट हुई है तो किसी ऐसे सबरेडिट में ही हुई है जहाँ पे लोग एक दूसरे को हायर कर रहे हैं या क्लाइंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला सबरेडिट है डेवलपर्स इंडिया, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे देखें और काफ़ी सारी पोस्ट हमारे पास नज़र आएंगी। मैं एक दफ़ा यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें हमें और बहुत सारा पोस्ट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें स्मॉल बिजनेसेस, अब ये वेब डिज़ाइनर्स का ग्रुप नहीं है बट स्मॉल बिजनेसेस का है, इसको आप ज्वाइन करें और यहाँ पे जो जो लोग हैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं ये वाली सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, तो लोगों के आपको कॉन्टैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो हैं पोस्ट आपको नज़र आएंगे, आप इनको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें फ्लो हेल्थ इज़ हायरिंग अ वेब डिज़ाइनर, वेब प्रोडक्ट डिज़ाइनर, तो यहाँ पे देखें इन्होंने ये सारी चीज़ें दी, तो यहाँ से आप अच्छे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने की आपने वीडियोस देखी होगी, वो लोग कहते होंगे कि ठीक है आपको ऐसा करेंगे तो आपको क्लाइंट मिल जाएगा, बट आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें करने से पहले। आप जब प्रोफाइल बनाएं तो नई प्रोफाइल बनाने के बाद डायरेक्टली आप क्लाइंट्स को अप्रोच करना ना शुरू कर दें। आप लोग अच्छे से प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर अपनी स्किल्स को मेंशन करें, सारी चीज़ें अपने अबाउट बताएं और उसके बाद मेक श्योर कि आप एक मंथ तक उस प्रोफाइल के ऊपर काम करें। ये ऐसा ही है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो उस प्रोफाइल के ऊपर किस तरह से काम करें कि आप अपने स्किल्स के रेलिवेंट क्या करें, पोस्ट शेयर करें। आप बताएं कि अगर लेट्स सपोज आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं कि वर्डप्रेस क्या है, आप पोस्ट कर सकते हैं शॉपिफाई क्या, आप पोस्ट कर सकते हैं कि शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स उठा के आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं लिखना आता तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखवा के यहाँ पे एटलीस्ट एक डेढ़ मंथ तक पोस्ट करें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है इस रेडिट के ऊपर, आपका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए, राइट। फिर जब भी आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे और वो आपकी प्रोफाइल आके विजिट करेगा तो डेफिनेटली आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी और क्लाइंट आप पे ट्रस्ट भी करेगा, और जब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा तो डेफिनेटली वो आपको प्रोजेक्ट्स भी असाइन करेगा। और यहाँ के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपको अच्छा पे करते हैं और आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, राइट। तो आप उनको व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हो और जो भी पेमेंट्स हैं वो आप रिसीव कर सकते हो अपने पायनियर पेपाल के अंदर जहाँ पे भी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरह से आप लोग रेडिट को यूज़ करते हुए अच्छे क्लाइंट्स ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, नीचे जाके कमेंट करें, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है इंस्टाग्राम पे आए, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।